सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? कहानी असली रोबोट की। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत है आप सभी का बोलिंग डैड स्टूडियोज में। आपको जानकर हैरानी होगी, रोबोट को लेकर अभी तक कोई सटीक परिभाषा इजाद नहीं हुई है। इसके कार्य, संरचना और कई अन्य चीजों में इतनी विविधता पाई जाती है कि रोबोट को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है, और ये 62 तरह की भावनाएं अपने चेहरे पर लाने में सक्षम है। सोफिया भौहें मुंह और गर्दन को भी मूव कर सकती है। जानकर हैरानी होगी कि सोफिया को सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता भी प्रदान कर दी है। सऊदी अरब की नागरिकता मिलने के बाद सोफिया ने स्टेज पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस अनूठी स्पेशलिटी के लिए मैं बहुत सम्मानित हूं और गर्व महसूस करती हूं। सोफिया NBC चैनल के मशहूर शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में भी अपनी झलकियां दिखा चुकी है, जहां सोफिया ने शो के होस्ट को जोक सुनाया और रॉक पेपर एंड सीजरस गेम खेलकर लोगों को चौंका दिया। साल 2017 में सोफिया ने भारत की भी यात्रा की। साल 2017 में मुंबई में आयोजित टेक फेस्ट में जब सोफिया भारतीय वेशभूषा में मंच पर आई तो हजारों लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। सोफिया ने जब मंच में हिंदी में लोगों से बात की तो सब लोग एक बार तो हतप्रभ रह गए। आपको लग रहा होगा हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। आपको बता दें कि रोबोट्स की पूरी हिस्ट्री और ये सोफिया रोबोट की कहानी आपको देखने को मिलेगी रोबोट 3 में। तो दोस्तों, यहीं पे करते हैं इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।